हमारे चैनल श्रीराम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके कहा था कि गुरुजी आप हमें माता काली का कवच उपलब्ध करवा दीजिए, जिसे करने से हमें माता की कृपा प्राप्त हो जाए और हम जो भी साधना करें, जो भी मंत्र यंत्र की सिद्धि करे, उसमें सब में वो हमें सहायता प्रदान करे और हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको माता काली का कवच प्रदान कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये वीडियो सामान्य लोगों के लिए और जो साधक अच्छे लेवल के हैं, जो कि साधनाएं करते हैं, उन दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो दोनों के लिए विशेष जानकारियां वीडियो में प्रदान की जाएगी, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और जो भी सदस्य पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनमें उन्हें यही बताना चाहूंगा कि भाई जी, मैं इस चैनल के ऊपर आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी, कई प्रकार की पुस्तकें और कई प्रकार की साधनाएं प्रदान करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये सभी चीजें प्राप्त करनी है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी हर वीडियो को देखा कीजिए, जिससे कि आपको सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो जाया करेगी। देखिए, बात करते हैं माता काली के कवच के बारे में। तो देखिए, मातेश्वरी काली का जो स्वरूप है वो अनंत है, इनकी महिमा अनंत है, उनकी महिमा का बखान करना किसी के भी लिए संभव नहीं है। और जो सभी मातृ शक्तियां हैं वह सब माता का ही अंश स्वरूप है। इसी के साथ ही भगवती काली के सौम्य और रुद्र रूपों को हम देखें तो वो कई सारे हैं, लेकिन उनमें से भी 12 प्रमुख रूप कहे गए हैं। शास्त्रों में भी इनके अलग अलग रूपों के अलग अलग ध्यान, मंत्र, चेतक, साधना विधि प्राप्त होते हैं और अलग अलग प्रकार के ही कवच अलग अलग स्वरूपों के होते हैं। देखिए, वैसे तो माता काली के रुद्र रूपों की जो साधनाएं होती हैं, जो मंत्र विधान होते हैं, वो शमशान में रहने वाले साधक और अघोरी ही करते हैं। वही माता काली के जो विभत्स स्वरूप होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रुद्र स्वरूप होते हैं, उनका ध्यान और कवच का स्तवन करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको माता के रुद्र स्वरूपों का कोई भी कवच उपलब्ध नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पर आपको केवल माता के दो मुख्य कवच उपलब्ध करवाऊंगा, जिनको कोई भी साधक कर सकता है और उसे करने से उसे हर प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होगी, हर प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इन दोनों में से जो सबसे पहला कवच है, जो कि जगन मंगल कवच है, ये बहुत ही अच्छा कवच है। अगर कोई साधक इसका पाठ करता है तो ये मान लीजिए कि उसे हर प्रकार से सुरक्षा तो प्राप्त होगी, साथ में उसकी हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। अगर कोई साधक गृहस्थ है तो उसके लिए ये कवच सबसे अच्छा है, क्योंकि गृहस्थ रहते हुए इस कवच का अगर कोई पाठ करेगा तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और अगर आप कोई भी मंत्र की सिद्धि कर रहे हो या फिर कोई भी साधना कर रहे हो, कोई भी यंत्र निर्माण कर रहे हो, तो सारे कार्य आपके संपूर्ण हो जाएंगे और आपको हर प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होगी। और देखिए, जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई हम कौन से कवच का पाठ करें, हमें कौन सा कवच का पाठ करना चाहिए जिसे हमें लाभ की प्राप्त हो, तो देखिए दोनों कवच की शक्तियां बराबर हैं, आप किसी भी कवच का पाठ कर सकते हैं। और जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो जगन मंगल कवच का पाठ कर लीजिए, उसे सब प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो आप चाहो तो जो मैं दूसरा आपको कवच उपलब्ध करवाऊंगा उसका भी आप पाठ कर सकते हो। देखिए, दोनों कवच जो हैं भगवान शिव के रुद्र अवतार, भगवान भैरव देव के और उनकी भारिया माता भैरवी के संवाद के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। माता भैरवी ने भगवान से कहा था कि हे प्राणनाथ, आपसे मैंने भगवती काली की महिमा के बारे में सुना, उनके शक्तियों के बारे में सुना, अब मैं सभी दुखों का नाश करने वाली और पापों को दूर करने वाले, सर्व सिद्धियां देने वाली माता काली के कवच के बारे में सुनने की इच्छुक हूँ, तो मुझे वो प्रदान कीजिए। तब जाके भगवान भैरव ने माता को ये कवच प्रदान किया और उनसे कहा था कि हे प्राण वल्लभे, मैं तुम्हें जगन मंगल कवच सुनाता हूँ। इस कवच को पढ़ने वाला व्यक्ति तीनों लोकों को मोहित कर सकता है और यह कवच योगियों के हृदय में आनंद भरने वाला होता है और निशाचर तक को भी यह वरदान देने में सक्षम है। इसी के साथ ही इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसी के प्रभाव से भगवान विष्णु तीनों लोकों के पालन करता है और कुबेर धनपति है और इंद्र महाराज देवराज इंद्र बन पाए थे। ये देवी इस जगन मंगल कवच के ऋषि भगवान शिव है और देवी दक्षिण कालिका है। अनुष्टम छंद में यह रचित है और इस कवच को संसार को मोहित करने और दुष्टों पर विजय प्राप्त करने के लिए, भक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए काम में लिया जा सकता है। जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है, माता काली की कृपा उसे जरूर प्राप्त होती है। तो देखिए, खुद भैरव भगवान ने भी जो है कवच की महिमा के बारे में बताया है। तो अगर आप इस कवच का पाठ करते हो तो आपको अपने आप ही कई प्रकार की छोटी छोटी चीजें तो अपने आप प्राप्त हो जाती है, छोटी छोटी शक्तियां तो आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर माता की कृपा जरूर प्राप्त होगी। और साथ में अगर आप इसका नित्य पाठ करोगे तो आपको माता के दर्शन होने की संभावना भी बन जाती है। अब जो दूसरा कवच है उसकी बात भी हम करें तो वह माता दक्षिण काली का कवच है। इसके संबंध में माता भैरवी ने भगवान भैरव से पूछा था कि हे नाथ, संकट में पड़े हुए मनुष्य की रक्षा के लिए कोई खास और आसान उपाय बताइए। तब भगवान भैरव ने जगत के कल्याण के लिए ये उपाय बताया था और कहा था कि जगत के कल्याण के लिए मैं तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय कवच बताता हूँ। उष्णिक छंद में रचित इस कवच के ऋषि भगवान भैरव और देवी दक्षिण काली है। क्रीम इसका बीज है, होम शक्ति है, क्रीम
तिलक है। विभिन्न साधनाओं और तांत्रिक सिद्धियों को सफल बनाने वाला यह कवच सभी कष्टों और बाधाओं को तत्काल दूर करने वाला कवच है। देखिए, बहुत से ऐसे साधक हैं जो कि माता दक्षिण काली के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी उन्हीं में ज्यादा श्रद्धा है, तो उन लोगों के लिए ये कवच बहुत ही अच्छा है। वो इसका पाठ करेंगे तो उन्हें माता दक्षिण काली की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, माता के स्वरूप कई सारे हैं, आप किसी भी कवच का पाठ कीजिए, माता की कृपा आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो इस कवच का भी जो है आप पाठ कर सकते हो, पाठ करने से भी आपको हर प्रकार की छोटी मोटी सिद्धियां तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी, साथ ही माता की कृपा भी प्राप्त होगी और जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आप जो भी पूजा उपासना आराधना मंत्र सिद्धि तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वह निर्विघ्न आपको प्राप्त हो जाएंगी, आपकी सभी साधनाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई भी साधना करो तो एक कवच का पाठ जरूर किया करो, पर सबसे पहले तो आपको इन कवच का पाठ करके इन कवच के पाठों को सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद में आप किसी भी साधना में इनका पाठ करके अपनी सुरक्षा और अपनी साधना की सुरक्षा कर सकते हो। तो देखिए, ये जो अब तक की मैंने जानकारी प्रदान करी ये उन सामान्य लोगों के लिए है जो कि माता की केवल कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं और माता की कृपा चाहते हैं, तो उनके लिए है। लेकिन जो लोग तांत्रिक साधनाएं करना चाहते हैं, कई प्रकार की विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अब मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूं, तो वो भी ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आप माता काली के कवच का पाठ करते हो तो उसके बाद में आपको काली अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करना जरूरी होता है। मकान का जो दरवाजा होता है उस पर जो लगाई जाने वाली सांकल कुंडी होती है उसे अर्गला कहते हैं, और आजकल के मकानों में आप देखोगे तो दरवाजों में सिंडकनियां होती है, शटरों के ताले होते हैं, ये अर्गला के आधुनिक स्वरूप है। कवच पहनने से योद्धा का शरीर मात्र अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित होता है, परंतु अगर आप मकान का दरवाजा बंद कर दोगे तो आपका पूरा परिवार, आपका पूरा मकान सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद में कोई भी चीज ना तो मकान से बाहर जा सकती है और ना ही अंदर आ सकती है, ना कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ पाएगा। एक उसी प्रकार अगर आप केवल कवच का पाठ करोगे तो उससे आपका शरीर सुरक्षित होगा, आपका पूरा शरीर जो है कवच से सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन आपके साधना स्थल जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन जब आप काली अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करो तो फिर वहां पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि जैसे ही आप काली अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करोगे तो आपके शरीर के साथ साथ आपके पूजा स्थल जो पूरा है वो सुरक्षित हो जाएगा, आपकी जो पूरी प्रक्रिया है साधना की वो भी सुरक्षित हो जाएगी। और इसके बाद में आप जो भी आराधना उपासना यंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, जो भी तांत्रिक सिद्धि करेंगे वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सभी प्रकार के जो आपको पुण्य फल मिलेंगे वो भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, कोई भी शक्ति उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। अतः जो सिद्ध उपासक होते हैं, जो माता के बड़े साधक होते हैं, वो हमेशा काली कवच का पाठ करने के बाद में काली अर्गला स्त्रोत्र का पाठ जरूर करते हैं, उसका स्तवन जरूर करते हैं, तभी जाके वह साधना में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप बड़ी सिद्धियां करते हो तो वहां पर कई सारी शक्तियां आती हैं, अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती तो कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाल लेती हैं जिससे आपकी पूजा को खंडित कर सके। तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करना होता है कि जो आपका पूरा साधना स्थल है, जो आपकी पूरी प्रक्रिया है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। इसी के लिए आपको माता काली के अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करना पड़ता रहा है। इसके अंदर जो भी विनियोग आदि है वो सब मैं आपको प्रदान कर दूंगा, पूरी पीडीएफ आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाई जाएगी। अब माता काली के अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करने के बाद में आपको श्री काली तिलक का पाठ करना भी जरूरी होता है। देखिए, साधक और साधना स्थल के साथ ही संपूर्ण साधना को सफल बनाने के लिए कवच और अर्गला स्त्रोत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है माता काली का तिलक, जो उसका पाठ करता है उसकी साधना जरूर पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाती है। मातेश्वरी काली के तिलक का स्तवन करने से आपकी सभी प्रकार की साधनाओं में निर्विघ्न आपको सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता काली की आराधना उपासना मंत्र यंत्र की सिद्धि के लिए तांत्रिक साधनाओं के लिए अगर आप तीनों का स्तवन करते हो, यानी कि अगर तीनों का पाठ करते हो तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता काली की आराधना उपासना नहीं भी करता परंतु वह इस तिलक का नियम पूर्वक 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार 31 बार प्रतिदिन जब करता है तब भी उसे माता की कृपा प्राप्त होती है और माता उसे अपने प्रिय पुत्रों में से एक मान लेती है और उसे अपना पूर्ण लाड प्यार प्रदान करती है। इतनी ज्यादा महिमा है काली तिलक की, इसलिए आपको काली तिलक का प्रयोग जरूर करना चाहिए साधना के बाद। देखिये, काली तिलक के बारे में भी मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है, तो मैं आपको माता काली का कवच, माता का अर्गला स्त्रोत्र और काली तिलक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में
पीडीएफ बनाकर प्राप्त करवा दूंगा, तो उनको प्राप्त कर लीजिएगा। आप जब भी इनका पाठ करोगे तो इनमें छोटे छोटे मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों का आपको बिल्कुल सही उच्चारण करना चाहिए। आपको जो भी कवच का पाठ करना है, फिर स्त्रोत्र का पाठ करना है, काली किला का पाठ करना है, तो उसमें आपको उच्चारण की शुद्धता रखनी है। यदि जाकर पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा, अगर उच्चारण की शुद्धता नहीं रहेगी तो आपको हानि भी हो जाती है, क्योंकि मंत्रों का गलत जाप करने से लाभ की जगह हानि ही प्राप्त होती है। इसलिए आपको उच्चारण की बहुत ज्यादा शुद्धता रखनी पड़ेगी। बिना अर्थ समझे और बिना सही उच्चारण के अगर किसी भी चीज का पाठ करते हो, किसी भी सामान्य मंत्र का भी पाठ करते हो, तो वहां पर भी आपको जो है हानि उठानी पड़ती है। और वहां पर आपको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है एकाग्रता। यदि आपका मन भटकता रहेगा, मात्र मुंह के आप कसरत कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, तो फिर आपका जो आपका दिल वो सफल हो नहीं पाएगा। इसलिए मन की एकता बनाए रखिएगा, जिससे कि आपके सभी प्रकार के चंद्र बड़ा होगा और सभी सिद्धि आपको प्राप्त हो सके। मैंने आपको माता काली के कवच के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान कर दी। जो साधक साधना करते हैं उनसे संबंधित भी मैंने आपको पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। तो ये वीडियो सामान्य लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो माता के विशेष साधना करना चाहते हैं, दोनों के लिए है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि सामान्य लोगों को और विशेष साधकों को दोनों को प्राप्त हो जाए। आज मैं आपसे एक छोटे से चीज मांग रहा हूँ, इस वीडियो में आपसे छोटा सा लक्ष्य आपके लिए मैंने इस वीडियो में रखा है कि आपको कैसे भी करके इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 500 व्यूज कर लें। 500 व्यूज करने का मतलब है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साधकों को, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को ये प्राप्त हो, जिससे कि वो सभी माता की कृपा प्राप्त कर सके। इसके आप चैनल के सदस्य हो तो आपका कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो के अंदर 500 व्यूज आपको पूरे कर रहे हैं। क्या आज आपका लक्ष्य है, इसको आप जरूर पूरा कीजिएगा। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण।